नमस्कार, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज के प्लेसमेंट, फीस, कोर्सेस, रैंकिंग, फैकल्टी, शिफ्ट, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ और भी काफ़ी सारी बातों पर चर्चा करेंगे। हिंदू कॉलेज, इस कॉलेज की स्थापना 1899 में हुई। यह कॉलेज नॉर्थ कैंपस में स्थित दिल्ली यूनिवर्सिटी का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। अगर आप हिंदू कॉलेज मेट्रो के द्वारा आना चाहते हैं, इस कॉलेज के नियर मेट्रो स्टेशन विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन है, जो येलो लाइन पर स्थित है। जैसे ही आप मेट्रो स्टेशन से एग्जिट करोगे तो आपको बाहर ई रिक्शा वाले मिल जाएंगे, जो आपसे 10 रुपये लेकर आपको कॉलेज तक पहुँचा देंगे। अब बात करते हैं हिंदू कॉलेज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों की। नंबर एक, रैंकिंग। अगर हम हिंदू कॉलेज की रैंकिंग की बात करें, 2020 की NIRF रैंकिंग के अनुसार हिंदू कॉलेज को ऑल इंडिया में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। नंबर दो, हॉस्टल। अगर हम हिंदू कॉलेज में हॉस्टल की बात करें तो इस कॉलेज में हॉस्टल की सुविधा भी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिनमें हॉस्टल की सुविधा है। उन्हीं में से एक कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का हिंदू कॉलेज, जिसमें हॉस्टल की सुविधा अवेलेबल है। नंबर तीन, कैंपस। अगर हम हिंदू कॉलेज के कैंपस की बात करें तो इस कॉलेज का कैंपस भी काफ़ी बड़ा कैंपस है। नॉर्थ कैंपस के जितने भी कॉलेजेस हैं उन सभी के कैंपस काफ़ी बड़े हैं। नंबर चार, फैकल्टी। अगर हम हिंदू कॉलेज की फैकल्टी की बात करें तो इस कॉलेज की जो फैकल्टी है वो भी काफ़ी अच्छी फैकल्टी है। वैसे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेजेस हैं उन सभी के फैकल्टी काफ़ी अच्छी हैं। नंबर पाँच, फेस्ट। अगर हम हिंदू कॉलेज के फेस्ट की बात करें तो इस कॉलेज का फेस्ट काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि हिंदू कॉलेज का जो फेस्ट है इसका बजट काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है, जिस कारण यहाँ पर फेमस स्टार्स आते हैं एंड इस कॉलेज का जो डेकोरेशन है वो भी काफ़ी अच्छा रहता है। हिंदू कॉलेज के फेस्ट का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हिंदू कॉलेज का इतना बड़ा ग्राउंड होने के बावजूद भी यह फेस्ट वाले दिन पूरा फुल हो जाता है। नंबर छः, फीस। अगर हम हिंदू कॉलेज की फीस की बात करें तो इस कॉलेज की वन ईयर की फीस लगभग 17 से 21 हज़ार रुपये के बीच है, बाकी आपके कोर्सेज पर डिपेंड करता है। नंबर सात, शिफ्ट। अगर हम हिंदू कॉलेज में शिफ्ट की बात करें तो इस कॉलेज में केवल एक ही शिफ्ट है, वो है मॉर्निंग शिफ्ट। नंबर आठ, प्लेसमेंट। अगर हम हिंदू कॉलेज में प्लेसमेंट की बात करें तो इस कॉलेज की जो प्लेसमेंट है वो ज़बरदस्त प्लेसमेंट है। इस कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए कई सारी कंपनियां आती हैं, जैसे गूगल, HDFC, EY, KPMG, BCG, ओबरॉय ग्रुप और भी काफ़ी सारी कंपनियां इस कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए आती हैं। नंबर नौ, कोर्सेज। अगर हम हिंदू कॉलेज में कोर्सेज की बात करें तो इस कॉलेज से आप BF ऑनर्स हिंदी, BF ऑनर्स इंग्लिश, BF ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, BF ऑनर्स इकोनॉमिक्स, BF ऑनर्स हिस्ट्री, BF ऑनर्स संस्कृत, BCom ऑनर्स, BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स, BSc ऑनर्स केमिस्ट्री, BSc ऑनर्स फिजिक्स, BSc ऑनर्स जूलॉजी, BA प्रोग्राम हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस, BA प्रोग्राम इकोनॉमिक्स प्लस इंग्लिश, जैसे और भी काफ़ी कोर्सेज कर सकते हैं। नंबर दस, कैंटीन। अगर हम हिंदू कॉलेज की कैंटीन की बात करें तो इस कॉलेज की कैंटीन भी काफ़ी अच्छी है, जिसमें आपको खाने के लिए राजमा चावल, चाउमीन, मसाला डोसा, आलू टिक्की, मैक्रोनी, मैगी, समोसा, सैंडविच, शाही पनीर की लच्छा पराठा, पेटीज, पेस्ट्री और भी काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आप नॉनवेज के शौकीन हैं तो आपको हिंदू कॉलेज में नॉनवेज खाने के लिए भी मिल जाएगा, जिसमें आपको चिल्ली चिकन, कीमा डोसा और भी काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। नंबर 11, क्राउड। अगर हम हिंदू कॉलेज में क्राउड की बात करें तो इस कॉलेज का जो क्राउड है वो भी काफ़ी अच्छा खासा है, क्योंकि हिंदू कॉलेज नॉर्थ कैंपस में स्थित दिल्ली यूनिवर्सिटी का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराने वाले अधिकतर स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है कि उन्हें नॉर्थ कैंपस में स्टडी करने का मौका मिले, जिस कारण नॉर्थ कैंपस के जितने भी कॉलेजेस हैं उन सभी का जो क्राउड है अपने आप में ही अप हो जाता है। नंबर 12, पूर्व छात्र। अगर हम हिंदू कॉलेज के पूर्व छात्रों की बात करें तो इसमें अर्जुन रामपाल, इम्तियाज अली,
और अन्नू कुमारी जैसे नाम शामिल हैं। तीनों को ही आप अच्छे से जानते होंगे। तीनों ने ही अपनी स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से पूरी की। अन्नू कुमारी जिन्होंने 2017 के यूपीएससी में सेकंड स्थान प्राप्त किया। नंबर 13 सोसाइटीज़। अगर हम हिंदू कॉलेज में सोसाइटीज़ की बात करें तो इस कॉलेज में कई सारी सोसाइटीज़ हैं, जैसे डांस सोसाइटी, ड्रामा सोसाइटी, डिबेटिंग सोसाइटी, राइटिंग सोसाइटी, म्यूजिक सोसाइटी, क्विज सोसाइटी, कोरियोग्राफी सोसाइटी, फाइनेंस सोसाइटी, आर्ट सोसाइटी, द साइंस फोरम सोसाइटी और भी काफ़ी सारी सोसाइटी हैं। नंबर 14 स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़। अगर हम हिंदू कॉलेज में स्पोर्ट्स की बात करें तो इस कॉलेज में आप क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, चेस और भी काफ़ी सारे खेल खेल सकते हैं। नंबर 15 हिंदू कॉलेज में लाइब्रेरी है जो पूरी तरीके से मेंटेन है, जिसमें बड़ी संख्या में बुक्स, मैगजीन्स एंड अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं तो इस कॉलेज की लाइब्रेरी में वो भी अवेलेबल है। हिंदू कॉलेज में कैंपस में वाईफाई की सुविधा, कंप्यूटर लैब, ऑडिटोरियम, फोटोकॉपी की सुविधा और भी काफ़ी सारी सुविधाएं हैं। हिंदू कॉलेज जितना अच्छा है उतना ही मुश्किल इस कॉलेज में एडमिशन लेना है। आज की इस वीडियो में हमने बात की दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो एंड आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।